अगर मैं आइजर के साथ धोखा करूं तो तुम कमाल के साथ क्या कर रहे हो? मुझमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं, हम दोनों एक जैसे हैं। अगर मेरा घर नहीं बच सकता ना, तुम्हारा घर भी टूट जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत है, 1 week, एक हफ्ता यानी एक हफ्ता। फिर साहब आजी? हाँ साहब, आपको खाने पे बुला रहे हैं, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। जी क्या बात है, इतनी खामोश क्यों लग रहे हो? तुम कहाँ थी? मैं खाने के बर्तन उठवा रही थी। पापा। जी बेटा। फिर क्या डिसीजन लिया आपने? किस बारे में? मेरे दानिश के बारे में। I think in a day or two हम decision ले लेंगे। In a day or two? पापा एक दो दिन क्यों? अगर आपको किसी के कहने पर ना करना है तो आप अभी मना कर लें। ये क्या बातें कर रही हो तुम? किसी के कहने पर मैं क्यों ना करूंगा यार? क्योंकि मुझे पता है इस घर में किसी ना किसी को मसला है इस रिश्ते पर। और आप सुन लें, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ दानिश से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। ओ हेलो आइजल, क्या हो गया इसको? आखिर ये यही क्यों समझ रही है कि तुमसे मना करने वाले हो? पता नहीं। एक्चुअली मैंने मेरे ऑफिस में मेरा जो मैनेजर है शिराजी, उसकी मैंने ड्यूटी लगाई कि जरा इन्फॉर्मेशन निकाले दानिश के बारे में। फूफो ऐसे बिला वजह जाने, मैं अपनी बेटी का ब्याह तो नहीं कर सकता ना किसी भी इंसान से। ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह ठीक होगा। हाँ इंशाल्लाह। और अरे इरशा, तुम क्या दानिश के घर गई थी आज? मैं क्यों जाऊंगी वहां? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? वो एक्चुअली शिराजी कह रहा था मुझे, उसको लगा कि तुम हो। आई एम श्योर तुम तो नहीं होगी, वहां क्या करने जाओगी तुम? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आई एम सॉरी। मैं मुझे एक्चुअली पूछनी चाहिए थी तुमसे ये बात। कोई बात नहीं,